जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? प्यारे मित्रों, आज का वीडियो बड़ा सुंदर वीडियो है और उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनके विवाह में बड़ी देरी हो रही है। क्यों? क्योंकि कई बार कारण ऐसे होते हैं, जन्मपत्री में कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जिसके कारण उम्र बढ़ती चली जाती है, लेकिन कहीं कोई रिश्ता नहीं हो पाता, विवाह नहीं हो पा रहा। वो बहुत परेशान हैं, लड़का हो या लड़की हो, जिस किसी के भी विवाह में यदि कोई देरी हो रही हो, तो प्यारे मित्रों आप ये उपाय करके देखें। निश्चित ही यदि आपने उपाय किया तो आपको विवाह में देरी में कोई अड़चन आने वाली जो है आ रही है, वो अड़चन जो है आपकी दूर हो जाएगी। और यदि कहीं कोई बंधन हो तो वो बंधन भी खुल जाएगा। भगवान शिव का ये उपाय बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है। और ये उपाय वही करें जो विवाह करने के इच्छुक हों। अर्थात मेरा कहने का मतलब कि यदि बेटे के विवाह में अड़चन आ रही है तो बेटा ही ये उपाय करे। उसके माता या पिता ये उपाय करेंगे तो असर नहीं होगा। यदि कन्या के विवाह में देरी आ रही है तो कन्या ही अपने हाथों से उपाय करे। कन्या के माता पिता यदि उपाय करेंगे तो ये उपाय सिद्ध नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे भाइयों कि यदि आप स्वयं जो विवाह करना चाहते हैं वो स्वयं अपने हाथों से उपाय करेंगे तो निश्चित ही उनको इस उपाय के करने से उनका रिश्ता भी जल्दी होगा और विवाह भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। वो उपाय क्या है कि आपने दो मुखी के 5 रुद्राक्ष लेने हैं। दो मुखी के आपने 5 रुद्राक्ष लेने हैं और रुद्राक्ष लेकर के मंदिर में जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं और 21 बार मंत्र पढ़ें, ओम पार्वती वल्लभाय नमः, ओम पार्वती वल्लभाय नमः। इस मंत्र का आप 21 बार उच्चारण करते हुए उन 5 रुद्राक्षों में से एक रुद्राक्ष आप गणेश जी को अर्पण कर दें, एक रुद्राक्ष आप माता पार्वती को अर्पण कर दें, तीसरा रुद्राक्ष आप कार्तिकेय भगवान को अर्पण कर दें, ठीक है जी, और चौथा रुद्राक्ष भगवान शिव को अर्पण करें, और जो 5वां रुद्राक्ष बचा है उस रुद्राक्ष को नदी में जा करके आप बहा दें। प्यारे मित्रों, यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके विवाह में आ रही जो अड़चन, जो बाधा है, वो निश्चित ही खत्म हो जाएगी और आपका विवाह जो है बड़ी जल्दी और अच्छी जगह पर तय होगा और विवाह का सुख बड़ी शीघ्र मिलेगा। विवाह में आई सारी बाधाओं को ये उपाय भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण हो जाता है। यदि शिव की कृपा मिलती है इस उपाय से तो दाम्पत्य जीवन जो है बड़ा सफल जाता है। प्यारे मित्रों, आप इस उपाय को करें और स्वस्थ जीवन जिए, ठाकुर जी को याद करते रहें। मैं पंडित अनिल कोदन श्याम सखा, आप यदि अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिया हुआ मेरा नंबर आ रहा है, उस नंबर पर मुझको व्हाट्सएप करें और मैं आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कोदंड श्याम सका।